प्रार्थना के लिए होस्ट प्रार्थना थ्रू गॉड Yeah.
एक दो तीन चार पाँच छः यस ठीक, एक दो तीन राइट राइट हैंड राइट कौन सा होगा इधर वाला ठीक है राइट हैंड से एक दो तीन चार पाँच अपोजिट साइड एक दो तीन चार पाँच यस अदर हैंड एक्सचेंज एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच यस ताड़ासन पोजिशन साथ भरते हुए रेडी उठाएंगे ठीक है स्टार्ट नीचो रिलैक्स यस स्टार्ट रिलैक्स फोर टाइम स्टार्ट रिलैक्स चेंज एक्सरसाइज एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ अपोजिट साइड एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ यस लेफ्ट रोटेशन एक क्लॉकवाइज दो तीन चार पाँच छ अपोजिट साइड एक दो तीन चार पाँच छ हाफ रोटेशन बोथ साइड एक सब इधर आएंगे अपने राइट में एक दो तीन चार पाँच छ साइड टू साइड एक दो तीन चार पाँच छ ठीक एक दो तीन चार पाँच छ अप एंड डाउन करेंगे यस अप दो तीन चार पाँच छ चेंज एक्सरसाइज हथेलियाँ यहाँ से लॉक करेंगे कमर को क्लॉकवाइज एक दो तीन चार पाँच छः यस अपोजिट साइड अब ऐसे घुमाना ठीक है एक दो तीन चार एक साथ होनी चाहिए सबकी पाँच छ सब इधर साइड लाइए एक को साइड यस एक अब इधर दो तीन चार पाँच छः अपोजिट साइड एक दो तीन चार पाँच छः यस हाथ आगे रखेंगे फिर इस साइड को टेस्ट करेंगे एक दो तीन बार करना है इसको एक दो तीन आप इसको पकड़ना है एक दो तीन इस पर मारना है यार हिप पर टेस्ट करना है एक दो तीन एक दो तीन एक इधर कहाँ कर रहा है हाँ एक साइड करो सब तीन यस चेंज एक्सरसाइज थोड़े थोड़े पाँव खोलेंगे आगे प्रेस करना है ठीक है और धीरे धीरे नीचे को जाना है यस एक दो तीन चार पाँच यस अब पीछे वाला पोर्शन कमर में लगाएंगे एक दो तीन चार पाँच यस आगे एक दो तीन चार पाँच पीछे एक दो तीन चार पाँच इधर बिल्कुल टच करना है भाई हथेलियाँ कहाँ जमीन में एड़ी बिल्कुल सीधी रहे ये घुटने वाले बिल्कुल सीधे रहेंगे ठीक है एक दो तीन चार पाँच गुड पीछे एक दो तीन चार पाँच यस राइट लेग जमीन में रहेगा लेफ्ट लेग उठाएंगे और जितने मंच पे हमारे वो लेफ्ट लेग को जमीन में रखेंगे राइट लेग उठाएंगे ठीक है अपोजिट करना यस एक दो तीन चार पाँच अपोजिट साइड एक दो तीन चार पाँच हाफ रोटेशन बोथ साइड एक दो तीन चार पाँच हाफ साइड टू साइड एक दो
तीन चार पाँच, अप एंड डाउन, एक दो तीन चार पाँच, बैक चेंज, एक दो तीन चार पाँच, पोजिट, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, साइड टू साइड, एक दो तीन चार पाँच, अप एंड डाउन, एक दो तीन चार पाँच, हाथ आगे करेंगे, स्टार्ट करेंगे, जोर लगा के भाई साहब, दो बार करना है, तीन बार करना है, चार बार करना, देखें एक्सरसाइज, हाथ नीचे बैक, यस फिर से करेंगे, यस फिर से करेंगे, एक दो तीन चार पाँच, अपोजिट साइड, एक दो तीन चार पाँच, साइड टू साइड, एक दो चार पाँच, अप एंड डाउन, यस ब्लैक, एक दो तीन, बैठ जाइए। नमस्कार, मेरा नाम विनय आर्या, कक्षा 12 सी का साथ आपके सामने आज विचार लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का विचार, परीक्षा में सफलता की कुंजी है। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम मयंक, मैं क्लास 12 बी का स्टूडेंट। एक गेहूं का तिनका होता है जो हवा के झोंके से उड़ते रहता है। एक दिन वो उड़ के जंगल में एक ऋषि के पास जाता है और बोलता है कि स्वामी, मेरा मन कहीं नहीं लगता है। तो स्वामी बोलते हैं कि जिस प्रकार तुम ये हवा के एक झोंके से उड़ जाते हो, उस प्रकार मन भी होता है, जो अगर थोड़ी सी भी कुछ बाधाएं होती है तो वो अपनी जगह से भटकते रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। तो ऋषि बोलते हैं, अगर तुम्हारा मन एक जगह स्थित रहेगा तो तुम्हारा काम में भी मन लगे रहेगा। इसी प्रकार वो तिनका भी समझ जाता है कि अगर ऐसी चलते रहा तो मेरा मन ना कभी किसी काम में लगेगा, ना मैं कभी कुछ कर पाऊंगा। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमारा मन भी वो तिनके की तरह होता है कि हवा के झोंके से उड़ जाए या फिर कोई बाधा आती है तो भटक जाता है। इसलिए हमें अपने मन को एक जगह रखना चाहिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, टुडेज वर्ड मीनिंग आर COMMENCE। कमेंस मीन्स आरंभ करना, सीज SEIZE यानी कि पकड़ना, डिफेक्ट DEFECT डिफेक्ट मीन्स दोष, कंपाइल COMPILE कंपाइल मीन्स संकलन, डिस्ट्रॉय DESTROY डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना। थैंक यू। ये सुनाकर बाद में ये बोलेगा। मॉर्निंग, माय नेम इज सिंह फ्रॉम क्लास 12 टुडे जीके। आई, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IPS? आंसर, इंडियन पुलिस सर्विस। मानव का वैज्ञानिक नाम बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तुम लोग पढ़ते भी हो। हाँ सब। आविष्कार किसने किया? शून्य का आविष्कार किसने किया? बस एक ही बच्चे, दो बच्चों को बता। अरे हाथ तो ज्यादा खड़े होने चाहिए भाई, ये स्विमर बताएगा हमारा। आर्यभट्ट ने करेक्ट आंसर की बात धड़कता है, ये बताएंगे आठ वाले। एक मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? 8, 6, 7, 8। पीछे से एक हाथ दिख रहा हो, लास्ट वाला 72 बार। चलो राइट। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? एक ही को मालूम है, ये तो गलत बात है। हाँ प्रभात, मैं उपेन कोटलिया, कक्षा 12 बौका छात्रा, सभी के सामने आज के समाचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। दिल्ली का असली बॉस चुनी सरकार, तब लाभों में अधिकार बने CM के पास। सुप्रीम आदेश पर इमरान खान रिहा, कांग्रेस ने सोनिया से जुड़ा संभुव्रता वाला ट्वीट हटाया। पेशेगर हाकम सहित 6 आरोपियों की संपत्ति कुर्के करने के आदेश। सीमांत गुंजी में 1 माह में शुरू होगी मोबाइल सेवा। अंत में कुछ खेल समाचार। यशस्वी भव महल 13 गेंदों में लगाया IPL का सबसे तेज अर्धशतक। राजस्थान रॉयल्स ने 41 गेंद शेष रहते कोलकाता को 9 विकेट से दी शिकस्त। धन्यवाद।